तो हे यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू जीडब्ल्यू तमाजीत गेमिंग चैनल। तो गाइस आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। तो जो लोग मेरा पहले वाला GTA 5 का गेम प्ले देखा है उन लोगों को तो पता ही होगा कि मैंने मेरा दोस्त जो ड्राइवर है उसको एक जेडेक्स ट्रेनर दिलवाई थी। तो उसके बाद उसका एक बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हो गया था। उसमें मेरा वो तो अभी सही हो गया है, बट उसका जो बाइक था उसको मेरे को पूरा रिपेयर करके देना पड़ा। उसमें मेरा बहुत सारा पैसा चला गया है। इसलिए आज हम लोग करने वाले हैं एक खतरनाक हाइस्ट, क्योंकि हमको अभी पैसे का बहुत ज़रूरत है। इसलिए अभी पहले तो हम जाने वाले एक बंदे के पास, जो कि मतलब हैकर कह सकते हो, या जो हमारा इस हाइस्ट का कुछ सीन ठीक करेगा, मतलब कैसे क्या करना है वो बताएगा। फिर देखते हैं क्या होता है। पहले हम लोकेशन पे पहुंचते हैं, फिर हम मतलब वो बंदे एक टाइप से बहुत खतरनाक वाला हैकर है ये। अरे भाई क्या, पहले एक सेकेंड, ये बार बार क्यों ये मतलब हो जाता है, ये मतलब रेडियो ऑन हो जाता है बार बार। तो गाइज मतलब सीन कुछ ऐसा है कि वो बंदा हैकर टाइप का कुछ है, जो कि उसका लोकेशन है इधर, शायद उसका लोकेशन है ये वाला मतलब इधर ये रहता है। इसका मतलब कुछ सीक्रेट सा मतलब घर है इसका। ये पुलिस को अगर इसको मतलब ढूंढने के लिए पुलिस हर टाइम मतलब चौकन्ना रहते हैं, बट कोई इसको ढूंढ नहीं पाता है, क्योंकि ये है बहुत खतरनाक वाला हैकर, समझ रहे हो। तो हम लोग जाते हैं, इससे मिलते हैं, देखते हैं। इससे मेरा थोड़ी बहुत फोन पे बात हो चुकी है, बट फिर भी उससे थोड़ा सामना सामनी बात करना पड़ेगा, क्या क्या सीन है या नहीं है। क्योंकि भाई ये जो हाइस्ट होने वाला है ये बहुत खतरनाक होने वाला है। ये हम लोग एक ज्वेलरी शॉप को लूटेंगे, तो उधर से हमको बहुत सारे पैसे तो मिल जाएंगे। बट पहले ये सीन है, पुलिस से कैसे बचना है, क्या करना है, वो लोकेशन हमको देखना पड़ेगा कि वो मतलब जो ज्वेलरी शॉप है वो कहाँ है, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो हम तो पहुंच ही गए, बातों बातों में पहुंच चुके हैं हम लोग। ये इधर है उसका वो ऑफिस या जो भी कह सकते हो, ये रहा वो। ये कुछ कपड़े का मतलब कपड़े का दुकान है, इधर कपड़ा तैयार होता है, उधर ये रहता है। तो मैं इधर बाइक को पार्क कर देता हूँ। चलो बाइक तो मैंने लगा दी, अब ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है, वो कहाँ है। ये देखो, ये इधर कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं या जो भी सिलाई होता है, ये देखो सिलाई का काम होता है इधर। तो ये रहा है इस बंदे का मतलब रूम। अरे भाई इधर तो कोई है ही नहीं। ठीक है गाइस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। भाई मेरे को तो बैठे बैठे बहुत देर हो गया, ये आएगा कब, इसको थोड़ा सा कॉल कर लेता हूँ मैं। और बंदा ये वाला है, ये देखो ये है, ये लेस्टर। इसका कोई फोटो भी नहीं है, बट सामने आप लोग देख पाओगे, तो इससे मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। सो ऑल राइट गाइज, उससे मेरा बात तो हो चुका है, वो अभी आने वाला है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ बाहर। सो ऑल राइट गाइज, ये आ चुका है, अभी इससे थोड़ा बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा घर पे घूम के आ गया था, तो बहुत लेट हो गया भाई आने में। तो ये अभी क्या प्लान करता है देखते हैं। ड्राइवर तो नहीं आ सकता भाई। तो ओके गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं उस मतलब उस ज्वेलरी शॉप पे, उसको थोड़ा मतलब चेक करना है उसका, वो किधर किधर कैमरा सेट हुआ है वो चेक करना पड़ेगा पूरा का पूरा। पहले चलते हैं, चलो इधर से दूरी है, मतलब वो दूरी है, वो जो ज्वेलरी शॉप है ना थोड़ा दूर है। बट पहले उस ज्वेलरी शॉप का अंदर से कुछ फोटो लेना पड़ेगा, ये कह रहा था। बट कैसे फोटो ये लेगा ये तो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो जाके ऐसे कैमरा ओपन करके फोटो नहीं ले सकते ना किसी शॉप में जाके विदाउट परमिशन पे। देखते हैं ये क्या करता है, इसका क्या प्लानिंग है। बट इस बंदे का मतलब जो लेस्टर, इसका प्लानिंग बहुत खतरनाक होते हैं भाई।
एक कब कहा क्या कर दे किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा, ये ऐसा बंदा है भाई, बहुत खतरनाक बंदा है भाई। मतलब ये अगर कुछ प्लानिंग किया है ना तो हम लोग फंसेंगे नहीं, ये एकदम श्योर है। मतलब हमको पुलिस पकड़ नहीं पाएगी भाई इसको, पुलिस को मतलब इसे पुलिस ने ढूंढ ढूंढ के पुलिस का मतलब दिमाग खराब हो गया, बट तभी भी उन लोगों ने इसको ढूंढ नहीं पाया है। चलो हम लोग आ गए, बट कहाँ है? ओके चलो। ओ भाई साहब इसके क्यों? अरे भाई क्या बताए, ये जो मतलब सनग्लास पहना हुआ है ना माइकल, इसके मतलब इस ग्लास में भाई कैमरा है भाई चश्मे पे। क्या कह रहा था गाइस, मतलब लेस्टर का प्लानिंग बहुत खतरनाक होता है भाई, कब कहां क्या कर दे पता नहीं चलता। ओके मेरे को सिक्योरिटी सिस्टम पूरा देखना पड़ेगा, कहां कैमरा है, कहां से अलार्म बज सकता है, क्या सीन है, सब देखना पड़ेगा। चलो हम लोग आ गए ज्वेलरी शॉप पे। सर थैंक यू। अलार्म्स वेंट्स कैमरास रिमेंबर। ओके वेंट्स तो ये रहा, ग्लासेस आर लाइव शूट अवे। ये रहा एक वेंट और सर्वेलेंस एंड वेंटिलेशन। ये रहा वेंटिलेशन, ये देखो कैमरा कहां है। कैमरा चेक, अलार्म चेक, वेंट्स चेक। चलो हमारा काम तो हो चुका है। I need All to right, pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand? Our rings start at 8. Our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the evangelical logo here? ओह भाई क्या पता क्या सीन है, मैं बाहर निकल के बताता हूँ। मतलब माइकल ने अंदर उस लड़की को बोला कि इसको कुछ मतलब गोल्ड का आइटम खरीदना है इसके वाइफ के लिए। भाई भाई अलग ही मतलब ये सीन है। चलो अभी लेस्टर के पास पहुँचते हैं, अभी वो वेंट्स का जो मतलब एसी का जो कंप्रेसर है ना बाहर, उधर जाना पड़ेगा हमको, उसको चेक करना पड़ेगा। चलो तो चेक करके क्या करना है वे तो पता नहीं, बट करना पड़ेगा। चलो करते हैं। कहां से जाना पड़ेगा, कहां से जाए? इसका टॉप पीछे ही तो होगा ना, इधर दुकान था तो इधर होना चाहिए। ओके ओके ये रहा ये रहा। चलो भाई हम लोग चलते हैं ऊपर इसके। भाई ये अभी तक मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई। So you keep up with the old crew? Well, after your death slash disappearance, there wasn't much holding us together. Yeah. You see him at all? भाई कहाँ कहाँ से जा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, इन लोगों को पता ही नहीं है, इन लोगों का कितना माल लूट जाएगा ये भी पता नहीं है इनको। भाई हम तो पूरा इधर प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को लूटने के लिए। I'm on the roof. अभी दुकान तो और भी सामने था ना भाई, ये क्या ये है, देखना पड़ेगा। अरे कहाँ आ गया मैं? Right? What do you think? OD, shootout, maybe just a car crash, right? Anonymous okay, इधर तक तो हम लोग आ गए। They only knew what ये है क्या? ना बड़ा सा। Hey, I see the vents. देखते हैं। ओके ओके यही है यही है। हाँ हाँ हो जाएगा, इससे तो चला ही जाए। भाई इधर एक चिड़िया था को पकड़ लेता अभी मैं। चलो आ तो गए मैं। ओके चलो हम लोग अभी निकल सकते हैं, हमारा काम इधर तक हो चुका है। बट ये क्या करेगा इसे, इस भेंट का क्या इस्तेमाल होगा ये तो मेरे को पता नहीं है, बट देखेंगे क्या होगा, कुछ तो खतरनाक ही होगा भाई। मतलब लेस्टर का प्लानिंग है तो कुछ तो खतरनाक ही होगा भाई। के ऊपर कोई देखा क्या मुझे? अच्छा बंदे नीचे बात कर रहे हैं, मैं तो खामखा डर गया भाई, कौन देख लिया। चलो ओए 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 खतरनाक। अरे रे 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 अबे यार
टट्टी भाई हक दिया मैंने तो। अरे आ रहा हूँ भाई, खतरनाक गिरा हूँ ऊपर से। चलो भाई अभी क्या करना है, प्लानिंग बता। Here, take your glasses back. Let's go back to the guys. भाई ये रेडियो का प्रॉब्लम बहुत है। I called ahead and told him to start setting up the information. ओके लेस्टर, हम जिधर से आए थे अभी उधर ही जा रहे हैं, अभी शायद उधर कुछ प्लानिंग चलेगा, देखते हैं क्या होता है या नहीं होता है। ओ भाई अलार्म सिस्टम इज लिंक्ड टू द डोर लॉक, वी विल गेट अ गुड विंडो, समवन टैलेंटेड हैक्स इट। एनीथिंग एल्स? Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store. Okay, okay. मैं आप लोगों को पूरा सुन के पूरा सीन बताता हूँ कि क्या है या नहीं है, मैं पहले उधर पहुँच जाता हूँ। गाइस लेस्टर ने मुझे सब समझा दिया है, तो अभी हमको जो करना है, हमको जाना है बगस्टर वालों के बैंड चुराने। मतलब वो लोग, मतलब इधर का मतलब वर्कर होता है, उन लोगों का जो वैन होता है, जो गाड़ी होता है, उसको हमको चुराना पड़ेगा, ताकि हम तीन चार लोग एक साथ उसके अंदर से, मतलब वो बक्सर्स वाले क्या करते हैं, वो एसी का जो वेंट्स होते हैं ना, वो सब कुछ लगाते हैं, चेक करते हैं, समझ रहे हो? तो उन लोगों का ड्रेस और उन लोगों का जो गाड़ी होता है वो हमको चुरा के लेके आना है। हम भेज बदल के जाएंगे, और जो एसी का वेंट्स का जो सीन मैं नहीं समझ रहा था ना, का लेस्टर ने जो भाई काम बताया है वो तो भाई खतरनाक ही है। वो बता रहा है उस एसी का वेंट से जो हवा अंदर आती है ना, उस वेंट के ऊपर वो भाई अभी से मतलब है, वो जो टियर गैस होता है वो हमको उधर उधर फेंकना है, और टियर गैस फेंकने के बाद उधर से जो वो बेहोशी होने वाला गैस वो एसी मतलब वेंट के थ्रू मतलब एसी में जाएगा, फिर वो अंदर जाएगा ज्वेलरी शॉप का, और सब लोग जब बेहोश हो जाएंगे तब हम करेंगे अपना काम। तो चलो भाई बहुत खतरनाक सीन होने वाला है, जो भी होने वाला है। अभी तो पहले हम पहुंचते हैं बक्टर्स बालों की उधर, क्योंकि उधर से हम लोगों को पहले तो वो भाई लोगों का वैन पुराना है। तो हम लोग करीब करीब पहुंच ही गए हैं, सामने ही है उन लोगों का वो एरिया, तो पहले तो मेरे को थोड़ा देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अगर कुछ डाउट कर लिया ना, मतलब कुछ समझ गए तो भाई दिक्कत हो सकता है हमको, तो हमको थोड़ा सावधानी से जाना पड़ेगा उधर तक, देखते हैं क्या होता है या नहीं होता भाई। थोड़ा टूटा क्या, हम लोग आ तो गए हैं, पहुंच गए हैं बक्सर वालों के इधर, बट वो उन लोगों का लोकेशन, हाँ ये वाला तो सामने वेयर हाउस में वो लोग होते हैं भाई। इधर मैं गाड़ी को पार्क कर देता हूँ, कोई मतलब वो ना हो, अभी उधर तक हमको जाना पड़ेगा। तो ऑल राइट गाइस, चलो हम लोग तो भाई चलते हैं, अभी कोई गड़बड़ी ना हो ये देख के चलना पड़ेगा। अगर कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने तो फिर बहुत, वो देखो बूढ़ा बक्सर वाले जो लाल कपड़े में खड़े हुए है ना, कोई वो लोग ही है। उन लोगों का वैन ही मेरे को चुकाना है, बट लोगों के पास गन होता है या नहीं, मेरे पास तो शायद, हाँ भाई बहुत बहुत है, बहुत ऐसे 100-200 को मार सकता हूँ ना गन है, वो कोई टेंशन। वो वाला गाड़ी, वो अंदर जो नीला गाड़ी दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, वो देखो वो वाला गाड़ी। तो मैं क्या कर सकता, मैं इधर से जाता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इधर से जाता हूँ, वो लोगों के साथ एकदम नॉर्मली जाता हूँ, ऐसे कोई आता है या नहीं मेरे को मालूम नहीं, बट मैं नॉर्मली जाऊँगा। सिविल ड्रेस में हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाला, मैं नॉर्मली जाऊंगा, देखते हैं ये लोग होते हैं या नहीं। अच्छा तीनों गाड़ी में भाई, ये मेरे को भाई, मैंने इसे चुरा लिया भाई, मैंने इन लोगों का गाड़ी तो चुरा लिया है भाई। भाई भाई पुलिस पुलिस बुला लिया इन लोगों ने, मैं इधर से निकलता हूँ, पुलिस आते रहेगा उधर से, मैं इधर से निकल जाता हूँ भाई, जितना हो सके निकलता हूँ, गाड़ी ज्यादा ठोक पिटाई नहीं करना है भाई।
भाई मैं थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ लेता हूँ क्योंकि पुलिस इधर तक शायद नहीं आ पाएगी। चलो हम लोग इधर से कुछ देर तक रुकते हैं और थोड़ा सामने जाके, क्योंकि इधर अभी ट्रेन ट्रेन भी आएगा। अगर ट्रेन आ जाएगा तो हमारा गाड़ी गंदा टूटेगा क्या, पूरा फोड़ देगा ट्रेन। मैं क्या करूँगा, मैं इधर भाई बूढ़ा पुलिस, ओ भाई साहब, अरे रे भाई, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ भाई। मैं तो भाई आ गया इधर तक, थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा अंदर भी। भाई ये तो रोड है, चलो इधर 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 छुप लेता हूँ। भाई 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 भाई, गलती 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 हो गया भाई, निकलते हैं इधर से। इधर अगर रुकता ना मैं तो दिक्कत हो जाता भाई। वैसे ही गाड़ी बहुत मतलब चौड़ा है, तो इतना पतले पतले गली से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे से। चलो तो एक सेफ लोकेशन ढूंढना पड़ेगा भाई, ऐसे खुले में घूमेंगे तो फिर से पकड़ेंगे ये लोग। भाई वो मेट्रो किधर होता है, मेट्रो अगर उसका लाइन पकड़ लिया ना मैंने, ये रहा ही रहा मेट्रो का लाइन, इसके अंदर चले जाते हैं। चलो हम लोग निकलते हैं भाई, इस मेट्रो लाइन के अंदर जाना पड़ेगा। वो अंडरग्राउंड होता है ना, तो ये लोगों का ढूंढने में तो भाई भाई बेनी का गैरेज है इधर। घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ भाई, इधर इधर कोई ढूंढ नहीं पाएगा, इधर कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा भाई। एकदम करेक्ट टाइम पे मेरे को याद आ गया, तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं इधर तक। बैठ गया, अभी तक रही है सामने सामने पुलिस नहीं है, तो थोड़ा मैं और सामने। अभी अगर वो लोग चले जाए ना, फिर मैं एकदम सेफ हूँ, फिर मैं इसको लेके चला जाऊंगा लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। ओके चलो, तीन इधर का क्लियर हो गया है, अभी हम लोग निकल। पहले तो ये वाला ऑफ करो भाई, ये बहुत दिक्कत है गाइस। अगर किसी को मालूम हो इसका मतलब परमानेंट सॉल्यूशन क्या है ये रेडियो ऑफ करने वाला, तो मेरे को जरूर बताना, मेरे को बहुत दिक्कत हो गया इससे। चलो भाई निकलते हैं, पुलिस तो अभी ढूंढ नहीं पाएगा हमें। ओ भाई थोड़ा देख के जा यार, वैसे गलती शायद मेरी, मैं वैसे निकलना नहीं चाहिए था, सब रुके थे, मेरे को रुकना चाहिए था, बट मैं रुक नहीं सकता अंदर भाई। कपड़े शपड़े सब है, कोई टेंशन नहीं है। चलो आराम, तो पोस्टर लगा हुआ है। चलो हमारा ये वाला काम भी गाइस पूरा का पूरा हमने कर दिया है, हमारा ये वाला काम भी हो चुका है। अभी नेक्स्ट देखते हैं लस्टर क्या बोलता है। तो ऑल राइट गाइस, मेरा तो लेस्टर से बात हो चुका है। अभी सीन कुछ ऐसा है कि हमको ह्यूमन लैब का एक ड्रग चुराना है, मतलब इधर एक मतलब कंपनी होता है, उसका एक ड्रग चुराना है हमको। वो बहुत हेवी ड्रग, बुलेट प्रूफ ड्रग होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह लेके जाते हैं वो लोग। तो अभी वो ट्रक चुराना है, क्योंकि हमें मतलब, रुको एक गाड़ी का इंतजाम कर लेता हूँ पहले, क्योंकि अभी मेरे पास कोई कार नहीं। चलो एक कार मेरे को अच्छा लगा, ये ले लिया। तो अभी सीन ऐसा है भाई, इसको कोई ऑफ करो पहले। तो भाई सीन ऐसा है कि उन लोगों का जो वो जो ट्रक होता है, बहुत भारी ट्रक होता है, जब पुलिस मतलब हम लोगों को, हम लोग जाएंगे मतलब हम लोग चोरी करेंगे, तीन बंदे हमारे तीनों को चोरी करने के बाद मतलब बाइक का इंतजाम वो लोग करेंगे। बाइक लेके हम लोगों को मतलब जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो भागते भागते पुलिस तो भाई पीछे से आएगी, हमको उस ट्रक के अंदर हमारा तीनों का गाड़ी को चढ़ा लेना है उस ट्रक के अंदर, कुछ ऐसा हमारा प्लानिंग हुआ है, तो इसलिए हमको वो ट्रक चाहिए। चलो पहले उसको मतलब लेके आते हैं। वो उसका लोकेशन है, वो लोग आज मतलब और कुछ मतलब 1 घंटे बाद वो इधर से क्रॉस करेंगे, वो लोग इधर से जाएंगे, तो हम लोग इधर पहुंच जाते हैं उन लोगों से पहले, कि हम लोगों को मतलब वो गाड़ी लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच मतलब पहुंचना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि वो वाला गाड़ी है पूरा बुलेट प्रूफ गाइस। अगर पुलिस ने, अबे यार, क्योंकि पुलिस ने अगर हम लोगों को ढूंढ भी लिया ना, मतलब ढूंढ नहीं पाएगा भाई, ढूंढ भी लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, पुलिस ढूंढ भी नहीं पाएगा हमको, क्योंकि
क्योंकि वो पूरा मतलब कौन कौन पकड़ेगा वो ह्यूमन लैब के गाड़ी को, कौन पकड़ेगा भाई? वो लोग तो अपने अपने काम करते हैं ना, उनका गाड़ी कोई पकड़ेगा नहीं कोई। भाई क्या पुलिस स्टेशन है क्या भाई? कोई डाउट नहीं होगा उन लोगों को, इसलिए वो पकड़ेंगे भी नहीं। देखो पुलिस स्टेशन है भाई, उन लोगों को पता ही नहीं है हम लोग क्या करने वाले हैं। तो भाई चलो हम लोग पहले तो भाई निकलते हैं, वो उस लोकेशन में पहुंचते हैं पहले। सो ऑल राइट गाइज, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं अभी। हमको इधर थोड़ा इधर गाड़ी रोकना पड़ेगा। अरे भाई थोड़ा और पीछे, हाँ इधर रोक देते हैं हमारा गाड़ी, बस एकदम ठीक। अभी देखते हैं वो लोग मतलब कितने देर करते हैं आने में, वो चेक करना पड़ेगा हमको पहले। वो लोग आएंगे फिर हमको मतलब वो चुरा के लेके जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या टाइम लग जाएगा उन लोगों को, वेट करते हैं तब तक। तो ऑल राइट गाइज, वो लोग तो मतलब आ चुके हैं, वो सामने से निकले हैं। मैं भी उन लोगों का पीछा करने लग गया हूँ। वो जो देखो मैप में दिखा रहा है ना नीला वाला जो छोटा डॉट है, वही है वो गाड़ी। मेरे को जल्दी से पकड़ना, वो रहा सामने, ये रहा वो गाड़ी, ये रहा ह्यूमन लैब का। इसको रोकू कैसे मैं? तो गोली मार के रोकना पड़ेगा। लोगों के पास गन भी है भाई। भाई ये मैं ऐसे मतलब नॉर्मल सिविल लोग जैसे जाते हैं ऐसे जान कोशिश करता हूँ, बस काम हो गया हमारा भाई, काम हो गया, काम हो गया। हमने गाड़ी तो चुरा ली भाई। चलो एक ही बंदा था भाई, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया गाइस, पुलिस ने पकड़ लिया। तो ट्रेवर तो भाई एक्सीडेंट हुआ है उसका। अभी हम लोग चोरी करने वाले हैं, तीन बंदे जाने वाले हैं, और लेस्टर हमको बताएगा उसका ऑफिस में बैठ के कि क्या करना है, क्या क्या चीज करना है हमको। तो अभी हम लोग तीन जाएंगे, तीनों में है भाई माइकल का एक दोस्त है, मतलब दोस्त नहीं मतलब ये वो एक रिसेंट दोस्त है माइकल का, वो है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जाने वाला है, माइकल जाने वाला है, और एक शार्प शूटर जाने वाला है, मतलब रैंडम बंदा है। मतलब रैंडम मतलब उसको, वो एक शार्प शूटर है, उसको खतरनाक शूटिंग आता है, तो वो जाने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते तो है अभी। मेरे को किधर जाने का ये पता ही नहीं है भाई, मैंने गाड़ी तो घुमा ली इधर से। शायद हमको किधर जाने का पता क्या नहीं है भाई, हमको तो लेस्टर का वो उधर ऑफिस भी जाना पड़ेगा उसके सीक्रेट बेस में। चलो निकल चलते हैं भाई, पीछा छोड़ देगा तब हमारा मतलब मार्किंग आ जाएगा। सामने से यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि इधर से लूंगा तो मतलब फिर से गाड़ियां ठुकेगी बहुत गंदा गंदा। तो चलो हम लोग इधर से यू टर्न भी ले लेते हैं। चलो काम हो गया हमारा, हमने यू टर्न ले लिया, अभी हम सीधा पहुंचते हैं। वो देखा मेरा, मैंने जहाँ रूट लगाया था उधर ही जा रहा है। चलो भाई भाई भाई, भाई। गाड़ी कैसे चला रहा हूँ मैं, भाई थोड़ा सा लग क्या रास्ता है भाई। मैं ऊपर, अरे दे दे दे, मैं इधर से पूरा ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहा हूँ। गाड़ी बड़ा है और भाई भाई भाई, कोई गलत किन ना हो जाए, कोई गलत किन ना हो जाए। कोडू 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 पे ऐसे नहीं जा सकता मैं। ओके चलो हो जाएगा हो जाएगा। बहुत भारी है भाई ये गाड़ी, आप लोग विश्वास करो या ना करो, गाड़ी बहुत भारी है ये वाला। चलो हम लोग करीब करीब पहुंच ही चुके हैं, एकदम पूरा हमको सामने ही जाना है इसको। इसके बाद हमको हम जाएंगे वो ज्वेलरी शॉप को लूटने। नहीं भाई खतरनाक सीन होने वाला है, क्या होगा वो तो सामने ही देखा जाएगा। चलो हमारा सब कुछ का इंतजाम हो चुका है, हमको जो जो भी भाई नीड था सब इंतजाम हो चुका है। बक्सर का वो गाड़ी था वो सब इंतजाम हो चुका है हमारा। चलो इधर तक हमको गाड़ी छोड़ना है, तो आगे का वीडियो देखते हैं। लेस्टर को मैं बोल दिया, मैं उसको Hey, कॉल करके Les, बोल देता I हूँ। got the good night gas. तो ऑल राइट गाइज, हमारा काम हो चुका है आज का कंप्लीट। हमको जो जो इस हाइस्ट के लिए चाहिए था वो हमने हासिल कर लिया है। हमको ज्वेलरी शॉप का डिटेल्स चाहिए था वो हमने हासिल कर लिया है। फिर हमको वो बक्सटर्स वालों का वैन चाहिए था, कपड़ा चाहिए था, वो भी हमने हासिल कर लिया है।
और लास्ट में ह्यूमन लैब का बुलेट ट्रक, वो भी हमने ले लिया है। अभी सिर्फ देरी है वो ज्वेलरी शॉप में हाइस्ट हाइस्ट करने का, डाका डालने का। तो अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो एक शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, कुछ गलती हुआ तो बताना। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।